बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमारा जो पीबीएल था उसमें हमने जो बात की थी वो लोकलाइजेशंस के हवाले से, एंड एक्चुअली वी लर्न्ड अबाउट हाउ टू अप्रोच अ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट व्हाट एवर दिस डिसऑर्डर पेशेंट प्रेजेंट्स। और उस प्रेजेंटेशन में हमने जो मेन चीज जो समझने की कोशिश की थी वो ये था कि पेशेंट जब भी आता है तो वी शुड हैव अ थ्री अ टू क्वेश्चंस इन अवर माइंड कि वेयर इज द लीजन और व्हाट इज द लीजन। ठीक है, ओके। और क्योंकि इन्हीं बेसिक चीजों की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कैसे अप्रोच करना है। ये वाला जो हमारा पीपीएल है इट इज वेरी क्लोजर टू दैट। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो था कि पैटर्न रिकग्निशन। तो पैटर्न रिकग्निशन में बेसिकली वो हमें ये हमने लर्न किया कि अगर ब्रेन का पैटर्न क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का पैटर्न क्या है, रूट्स हैं तो नर्व्स हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल्स डिसऑर्डर्स। तो हर लोकलाइजेशन एरिया जो है उनकी कुछ पैटर्न रिकग्निशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको समझ के हमने वी यूजली गेट द आइडिया कि कहाँ से वो डिसऑर्डर आ रहा है। सो लेट्स बिगिन विद, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास नमनेस के साथ या पारेस्थीसिया के साथ आता है तो आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे? दिस इज द लास्ट स्लाइड व्हाट वी डिस्कस अबाउट, जिसमें हमने बात की थी कि वेयर इज द लीजन है, व्हाट इज द लीजन, और टॉप ऑफ दैट पैटर्न रिकग्निशन। और आई थिंक यू पीपल मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नमनेस एंड द पारेस्थीसिया। जो नमनेस है, नमनेस को हम एक्चुअली इज अ नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं और पारेस्थीसिया को पॉजिटिव सिम्टम्स। और नमनेस को नेगेटिव सिम्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट्स को जो सेंसेशंस होती हैं वो ऑल्टर्ड हो जाती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द रिड्यूस्ड परसेप्शन ऑफ द सेंसेशन और द एब्सेंट परसेप्शन ऑफ द सेंसेशन बॉडी के ऊपर। और नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेशेंट को बता नहीं रहा होता है पेशेंट को सिम्टम्स किस तरह हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पारेस्थीसिया जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशंस भी कहते हैं, उसमें पेशेंट्स क्लियर कट जो फीलिंग्स होती हैं वो पिन और नीडल की फीलिंग्स होती हैं। उनको लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, लेकिन नमनेस के अंदर ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा लिम्ब ही नहीं है। आप लोगों को एक्सपीरियंस अपना पर्सनल होगा, जब आप कहीं पर ज्यादा देर तक बैठे रहें कोई नैरो एरिया हो तो आपकी टांग जो है वो सुन्न हो जाती है। अच्छा, यूजुअली ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि नर्व कंप्रेस हुई है, कोई भी शेटिक नर्व वगैरह कंप्रेस हो गई। तो शुरू में आपको पारेस्थीसिया वाली फीलिंग्स होंगी कि नम फील हो रहा है कि पिंस एंड नीडल फीलिंग्स हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है आपको लगेगा आपका पूरा होल लिम्ब अब वो एक इन्वॉल्व हुआ है, दो इन्वॉल्व, बिल्कुल गायब हो गया, फील ही नहीं हो रहा होता है आपको। तो दैट एक्चुअली इज नमनेस, जिसको हम निगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो काइंडली इस कॉन्सेप्ट को जहन में जरूर रखिए। अच्छा, ये भी हमारी पुरानी स्लाइड थी कि जब भी पेशेंट्स आए तो अदर थैंक यू, तो हम डिसाइड करेंगे कि ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि हमारे पास जो 7 लोकलाइजिंग एरियाज हैं उनमें हमने देखना है कि किन लोकलाइजिंग एरिया से पॉसिबल है कि नमनेस आए। और याद रखिएगा कि नमनेस या पारेसीजिया जो है वो न्यूरोजेनिक सिम्टम है, इसलिए मैं वैसे आपको बता दूं कि ये एटलीस्ट अगर मसल्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें नमनेस या पारेसीजिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्टली मसल्स या जंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको एक कोई ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें वो के पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पारेस्थीसिया वेयर व्हिच इज द लीस्ट, और ये आप कहें कि आप इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जहां पर आप लोकलाइज नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं अगर वहां पर ऑप्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का या मसल्स का है तो यू कैन कॉन्फिडेंटली शुड से कि
कि इन एरियाज में आपको नमनेस या पारेसीजिया फील नहीं होगी। और ये मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसी इन दो एरियाज के साथ साथ एंटीरियर हॉर्न सेल जो है ये थर्ड एरिया है जहां पर आपको नमनेस या पारेसीजिया फील नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, उसका रीजन ये है कि ये मोटर एरियाज हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू द पॉइंट कि अब नाउ वी नो आउट ऑफ सेवन वी हैव फाइव एरियाज। अब मैंने हमने उसको नैरो डाउन कर दिया कि इन फाइव एरियाज में से हमने डिसाइड करना है कि अगर किसी पेशेंट्स को नमनेस या पारेसीजिया है तो हम कहां लोकलाइज करें। तो ये अब हमारे पास जो थर्ड सवाल का था ऑप्शन कि पैटर्न रिकॉग्निशन, यस ट्रू, पैटर्न रिकॉग्निशन विल हेल्प अस टू डिसाइड वेयर एग्जैक्टली द सिम्टम्स आर कमिंग। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ब्रेन का पैटर्न क्या होता है कि वन साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होती है और यूजुअली फेस, आर्म एंड द लेग। तो पैराइटल लोब, लेटरल थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल जो पोस्टीरियर लिम्ब है और लेटरल मेड्यूला, ये जनरली इन एरियाज के नाम याद रखें। ये वो एरियाज होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स जो है, सेंसरी फाइबर्स यहाँ से जनरेट होते हैं या क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट्स को थैलेमस में, पैराइटल लोब में, पोस्टीरियर लिम्ब, इंटरनल कैप्सूल्स में या लेटरल मेड्यूला, इन जगहों पर सिम्टम्स हो तो वो पारेसीजिया या पिन प्रिक की शक्ल में हो सकते हैं। तो दीज आर द विद इन द ब्रेन, क्योंकि कुछ ब्रेन के एरियाज ऐसे हैं जो प्योर मोटर हैं, तो वो मोटर एरियाज अगर फ्रंटल लोब की इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है कि उसको नमनेस या पारेसीजिया ना हो। और अगर टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट है, टेम्पोरल लोब तो आपको पता है कि ये बेसिकली आपके जो है मेमोरी को हैंडल करता है, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई नमनेस पारेसीजिया नहीं हो सकती। और इसी तरह ऑक्सीपिटल विजन को डील करता है, ठीक है। तो अगर ब्रेन से, अगर एक पेशेंट कम्स टू यू एंड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेस, आर्म एंड द लेग ऑफ द वन साइड, तो आप कहेंगे कि मोस्ट लाइकली वी कैन लोकलाइज इन द ब्रेन। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड में जैसे मेरी लिटिल फिंगर है, ये भी कुछ बड़ी होगी, थिक होगी, इसका डायमीटर वो इससे भी छोटी स्पाइनल कॉर्ड की विड्थ होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो अमूमन होल या बायलैटरल स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था कि इफ समबडी कम्स टू यू विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों लेग इन्वॉल्व हो या दोनों आर्म और लेग इन्वॉल्व हो, तो यू कैन कंसीडर, और फेस स्पेयर्ड है तो देन यू विल से दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये मैंने बताया कि अगर सिर्फ पैरापेरेसिस है, अच्छा एक बात जहन में बता कह दूं आपको, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही उसका डायमीटर छोटा है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि पेशेंट को सिर्फ नमनेस या पारेस्थीसिया हो। अमूमन इसके साथ वीकनेस भी होती है, तो वीकनेस भी हो, पारेस्थीसिया भी हो और दोनों लिम्ब्स की इन्वॉल्वमेंट हो, अगर बोथ लोअर लिम्ब्स आर इन्वॉल्व, यू कैन से दिस इज मोस्ट लाइकली डॉर्सल स्पाइन के अंदर ऐसा हो सकता है या लंबर स्पाइन के अंदर, लंबर कॉर्ड में। और अगर सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट है तो बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ कम टू द पैटर्न ऑफ द रूट्स। अगेन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि रूट्स जब भी इन्वॉल्व होती हैं तो रूट्स की जो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसके अंदर ऐसा होता है। जैसे इस पिक्चर में मैंने C5 डर्माटोम्स बताया है, C6 का देखें कैसे जा रहा है, C7 बिल्कुल जो जो मिडिल फिंगर होती है उसमें जा रहा है, और C8 जो है पीछे से होते हुए लिटिल फिंगर तक चला जाता है। तो ये अगर कोई शख्स आता है, कम्स टू यू, उसको नेक में दर्द हो रहा है और उसके साथ जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में उसको नमनेस हो रही है या पेन हो रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट द रूट्स एज अ लोकलाइजेशन। इसी तरह ये जो है लंबो सैक्रल है, L4, L5 या L5S1, ये डिस्ट्रीब्यूशन में अगर होगा तो यू विल अगेन थिंक अबाउट द रूट्स। फिर हम आते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन ऑफ अगर नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर मोनो न्यूरोपैथी है, अगर कोई एक नर्व इन्वॉल्व हुई है, से फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम, तो पेशेंट यूज टू कम विद द नमनेस और द पारेसीजिया और हेयर 1, 2, 3 एंड हाफ फिंगर्स में।
और अगर रेडियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हुई है तो रेडियल नर्व का एरिया जो डॉर्सम ऑफ द हैंड होता है, इन जगहों पर नंबनेस पैरेस्थीसिया हो सकती है। क्रेनियल नर्व्स अगर इन्वॉल्व है तो क्रेनियल नर्व में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपकी फेस के ऊपर ट्राइजेमिनल नर्व है, ये इसकी V1, V2 और V डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस यहाँ पर अगर पेशेंट आता है, अमूमन एक कंडीशन है जो ट्राइजेमिनल नर्व से लिंक करती है, वी कॉल इट ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर पेशेंट को इस तरह हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में उसको नंबनेस, पैरेस्थीसिया या शॉक लाइक फीलिंग्स होती हैं। और ये जो आपको मैंने पैटर्न बताया ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का है। मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम बताया था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कॉमन एग्जांपल इज डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ना वो सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखें कि ये स्टार्ट है तो लॉन्गेस्ट फाइबर जो इन्वॉल्व हुए हैं बिल्कुल फीट इन्वॉल्व हुई है, फिर जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते रहते हैं तो आप देखें कि जब नी तक फाइबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर हाथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, फिंगर्स, और फिर ये नी से क्रॉस करके चले जाते हैं तो फिर इनके हाथ की इन्वॉल्वमेंट एल्बोस तक चली जाती है। तो इसके लिए हमने टर्म एक यूज की थी जिसको मैंने कहा था कि ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न। और ये आप देख लें कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल ये कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं जो चेस्ट में सप्लाई करती हैं और एब्डोमेन तक, तो इसकी जो है फिर इन्वॉल्वमेंट एब्डोमेन से होना शुरू। तो पेशेंट अमूमन जो सीवर न्यूरोपैथीज वाले होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल एब्डोमेन में सेंट्रल बिलो द एम्ब्लाइकस और अबव द एम्ब्लाइकस भी नंबनेस या पैरेसिस या फीलिंग्स होती हैं। तो ये हमारे पास नर्व्स और का पैटर्न होता है, आइदर क्रेनियल नर्व्स इफ यू आर डीलिंग द पेरिफेरल नर्व्स, मोनो न्यूरोपैथीज हैं या पॉली न्यूरोपैथीज हैं तो इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर हम आते हैं कि नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अच्छा अब हमने क्या किया, हमने मैंने आपको बताया कि लोकलाइजिंग पॉइंट जो है इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और पेशेंट का रूट्स हैं और नर्व्स हैं। ठीक है, तो ये चार मेजर एरियाज हैं आउट ऑफ सेवन। तीन हमने निकाल दिए थे जो कि नंबनेस पैरेस्थीसिया जनरली स्पीकिंग क्रिएट नहीं करते, जो कि एंट्रियो हॉर्न सेल है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मायस्थीनिया ग्रेविस है या मायोपैथी मसल डिसऑर्डर्स है। अच्छा अब सवाल ये कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, वेरी वेरी ऑब्वियस आप लोग समझ चुके होंगे। ये इसलिए जरूरी है कि बिकॉज हम अगर करेक्टली किसी को नैरो डाउन जो लोकलाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दो तरह से पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। एक तो हम डिफरेंशियल्स को लोकल नैरो डाउन करते हैं, जब डिफरेंशियल नैरो डाउन होती हैं तो फिर आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी नैरो डाउन होती है और आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो भी नैरो डाउन हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, जैसे कि हमारे पास बाज़ोकात कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि नर्व कंडक्शन स्टडी और ईएमजी स्टडीज के लिए, ये जो एनसीएस और ईएमजी है ये पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स के, पेरिफेरल डिसऑर्डर्स के लिए होती है। अगर मसल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या रूट्स नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं तो उनके लिए ये एनसीएस और ईएमजी होती है। और लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, लीजेंट्स के लिए हम लोग ये नहीं करवाते, फिर हम इमेजिंग पे जाते हैं, एमआरआई ब्रेन करवाना है या स्पाइन करवाना है, फिर अगर स्पाइन भी करवाना है तो कहाँ का, सर्वाइकल का करवाना है, डॉर्सल का करवाना है, लंबोसैक्रल का करवाना है, ये पूरे स्पाइन की तीन अलग अलग स्टडीज होती हैं और इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बहुत जरूरी है कि आप पैटर्न रिकोगनाइज करके पेशेंट्स को ऑर्डर करें। हमारे पास बाद होकर नर्व कंडीशन ईएमजी के लिए रिक्वेस्ट आती है किसी पेशेंट्स की जिनको लोअर लिम में दोनों नंबनेस होती है, तो हम क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ दैट नर्व कंडीशन स्टडी का कि पहले यू हैव टू टेक द हिस्ट्री, यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट और देन डिसाइड अबाउट द प्रोटोकॉल कि किस तरह नर्व कंडक्शन करनी है, कौन सी नर्व कंडक्शन करनी है। तो कई दफा तो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जजमेंट ये होती है असेसमेंट कि ये तो स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, लेकिन शायद गालबन जो रेफरिंग फिजिशियन होता है उससे मिस्टेक हो गई या वो पिक नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये नसों का टेस्ट करवाएं, मुझे लगता है कि ये न्यूरोपैथी है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है पैटर्न रिकॉग्नाइज करके ताकि आप पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करवाएं, करेक्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उनके रिसोर्सेस को बचाएं। और फिर जब आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छी होगी तो आपका आप यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन द पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस
और इस तरह आप जो है ना डायग्नोसिस पे करेक्टली पहुंच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एक छोटा सा था, एज आई प्रोमिस कि हम नेक्स्ट हम दूसरे को भी इसके साथ ही करेंगे। अगर इसमें इसके अंदर कोई आपकी क्वेश्चन है तो जरूर बताएं, ताकि फिर हम दूसरी उसके ऊपर चलते हैं। If you have no more questions, तो हम दूसरी presentations के ऊपर चलते हैं। हमें आपकी help की जरूरत पड़ेगी बॉस। इसको बताएं। Stop recording के pause कर दें। More recording को pause कर दें। नहीं, इसको stop करके दोबारा करेंगे।